तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वीरा, आज भाई बीज है और तू मेरे पास नहीं है। तेरे बगैर त्योहार याने रोशनी बगैर दिया, बिना रंग की रंगोली। हेलो मेरी बहन आ रे। वीरा रे, अरे वीरा। ए बेना कैसी है तू? अभी मुझे ही याद कर रही थी ना है? अरे मैं मजे में हूँ वीरा, मैंने अभी तुम्हें याद किया और तुम्हारा फोन आ गया। अरे मैंने ये तो कुछ भी नहीं है, सूरज उगने पर रोशनी जिस स्पीड से धरती पर आती है। तुम एक बार मुझे याद करके तो देखो। उससे भी ज्यादा स्पीड से मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। राजकुमारी जैसी लड़की से तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा बहुत बड़ा बंगला हो, मोटर गाड़ी हो, बस बस। अच्छा बस भी चाहिए? तुम्हारे पास 10-15 बस भी हो। अरे मेरा कहने का मतलब है कि इतना काफी है। और मेरी भी दुआ है कि तेरी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। अच्छा बता बेना, दिवाली कैसी गई? दिवाली बात कर रही हो बेना? ऋत्विक रोशन? ओ बेना, मैंने क्रिस को मिस किया। और सुन वीरा, ऋतिक भाई रोशन के साथ साथ प्रियंका बेन चोपड़ा भी आए थे। अरे वाह, ये तो यादगार दिवाली हो गई बेना। हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमने जादू भाई से बात की, वो कोई मिल गए वाले जादू भाई है ना, उनसे। ओहो, वाह बेटा, तो तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई होगी। अरे वीरा, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई त्योहार हो और मैंने तुम्हें याद ना किया हो? अरे वीरा, मेरे जीवन की सबसे यादगार दिवाली तो हमारे बचपन की दिवाली थी, जब मैंने तुम्हें फटाके फोड़ना सिखाया था। तुम अपने छोटे छोटे हाथों से फुलझड़ी पकड़ते थे और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें भाई चक्री जलाना सिखाती थी। याद है मैंने एक दिवाली में मैंने गलती से रॉकेट टेढ़ा लगा दिया था और वो हमारे पड़ोसी करसन काका की धोती में चला गया था। पता है माने हम दोनों को कितना डांटा था? जब तुमने मेरी गलती अपने सर पर ले ली थी कि रॉकेट तुमने जलाया था। थैंक यू बेना। तुम मेरी बहना हो बेना, हर जन्म में तुम मेरी ही बहना बनना और तुम मेरे ही वीरा बनना। लेकिन अगले जन्म में मैं तेरा बड़ा भैया बनूंगा। हाँ? तुम्हारा बहुत ही ध्यान रखूंगा, तुम्हें झूला झुलाऊंगा, अपने कंधों पे घुमाऊंगा बेना। बस बस वीरा, मैं रो पड़ूंगी। बेना, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि काश हमारे पास कोई ऐसा रॉकेट होता कि जो हम दोनों को उड़ा के वापस बचपन में पहुंचा देता। फिर हम दोनों बहुत सारे फटाके फोड़ते, पूरी पोल में दिए जलाते, मिठाइयाँ खाते, पूरी पोल में अच्छी अच्छी रंगोली सजाते और खूब मस्ती करते बेना। बस बस वीरा, खम्मा खम्मा। देख, अगले साल दिवाली हम साथ में मनाएंगे। दिवाली में मैं अहमदाबाद आऊंगी और भाई बीच में तू यहाँ आना, ठीक है? पक्का बेना? हाँ हाँ, एकदम पक्का पक्का। ठीक है। मैडम, वैसे हमारे बनेवी लाल क्या कर रहे हैं? वीरा, तुम्हारे जीजाजी तो आए जलसा कर रहे हैं और मुझे भी जलसा कराते हैं। चलो मैडम, तो उनको भी फोन कर देता हूँ। अच्छा मैडम, मैं फोन रखता हूँ। बाय। भाई नी बेनी लड़की ने भालो झुलावे डड़की, भालो झुलावे डड़की। अरे वीरा वीरा, जीजा जी को फोन कर देता हूँ। जीजा जी, माय डियर जीजा जी।
सुंदर का फोन? फोन क्यों नहीं उठाते जीजाजी? उठाऊं कि नहीं उठाऊं? ए माय डियर, जीजाजी ने कभी मेरा फोन पहले रिंग पे नहीं उठाया है। त्योहार के दिन उठा लेता हूँ। हेलो, अरे कैसे हो माय डियर बरेली लाल? अपने प्यारे साले सुंदर का प्रणाम स्वीकार करो। हाँ बोल, कैसे याद किया? ए माय डियर जीजाजी, आज भाई बीज है तो आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो ये पूछने के लिए मैंने फोन किया है। अरे भाई, तू मेरे साले में से मेरी बहन कब से बन गया? क्या भाई बीज वाले दिन तक बहन ही अपने भाई से गिफ्ट मांगती है ना? अरे माय डियर जीजाजी, आपसे गिफ्ट पाने के लिए तो मुझे आप जो बोलो वो बनने के लिए मैं तैयार हूँ। पूरी दुनिया से अलग हो, आपको तो कोई नया चीला चालू करना चाहिए। आप मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? सुनियो, कोई आलतू फालतू सस्ती गिफ्ट नहीं चलेगी, एकदम महंगी वाली गिफ्ट देनी पड़ेगी। अरे भाई अरे डरिए मत माय डियर जीजाजी, मेरा तो आपको शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है। किस बात के लिए? जीजाजी, आपने मेरी बहना को फूल की तरह रखा है, उसे बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए माय डियर जीजाजी, इसके लिए मैं आपके पैर धोकर पीऊं तो भी कम है। कौन बोल रहा है? कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? क्या हुआ माय डियर जीजाजी, यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ यकीन मानिए माय डियर जीजाजी, ये सब सच में बिना किसी स्वार्थ के दिल से बोल रहा हूँ। क्यों, अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिल ने किया तो बोल दिया। अच्छा जीजाजी, मैं फोन रखता हूँ, आप खुश रहना और माय डियर बहनों को भी बहुत खुश रखना। चलो मैं फोन रखता हूँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दिल किया तो बोल दिया, यकीन नहीं हो रहा, इसका जरूर कोई ना कोई स्वार्थ होगा, अभी नहीं तो दो चार महीने बाद झटका देगा। अरे इसने फोन करके मुझे तो टेंशन में डाल दिया, क्या होगा? माधवी, माधवी आत्मराम भिड़े आहेत का? काय झालं असं काय बोलताय? तुम्हारा कुरियर आया भाई। किसने भेजा है? नक्की मंदार ने भेजा होगा, नक्की। हो हे काय भाऊ बीज रास मंदार मामा काय पाठवलंय? ओ मिठाई तो हमेशा बेचता ही हो याद से। ओहो मस्त है। अय्या सखी। ओहो अप्रतिम, काय मस्त कलर कॉम्बिनेशन है। अप्रतिम मस्त, क्या बात है, वहाँ पे मेरी बहन भी ऐसी खुश हो रही होंगी, मैंने भी उसको मिठाई और साड़ी भेजी है ना। मिठाई दे। के सोनू का काय गो, काय झालं? आई बाबा, दिस इज नॉट फेयर। आई तुम्हारा भी भाई है, बाबा भी किसी के भाई है, मेरा ही भाई क्यों नहीं है? मैं भाई दूज कैसे मनाऊं? मुझे कौन गिफ्ट देगा और मैं किसको मिठाई खिलाऊं? अगर सोनू, अरे कौन है भाई? अरे कौन है भाई, चेहरा तो दिखाओ। घोड़े थे। अरे गोगी गोया, तुम लोग यहाँ पे? आप भी अंकल, हम हमारी बहन सोनू के लिए गिफ्ट लाए। हाँ। ओहो, अरे वाह, अरे वाह वाह, देखा सोनू? आओ आओ अंदर अंदर। ले सोनू, तेरे लिए गिफ्ट। मेरी तरफ से भी गिफ्ट। थैंक यू, दो दो गिफ्ट। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। हैप्पी भाई दूज सोनू। हैप्पी भाई दूज सोनू। थैंक यू। वाह सोनू, खुश का? यस। क्या हुआ भिड़े अंकल, किसे ढूंढ रहा? नहीं, तुम लोग के साथ टप्पू नहीं आया? नहीं नहीं। देखा माधवी, टप्पू नहीं आया। तो आ जाएगा। नहीं आएगा माधवी, मुझे मालूम है वो नहीं आएगा। मैंने एक बात हमेशा नोटिस की है, भाई दूज रक्षाबंधन पे वो आता ही नहीं है यहाँ पे। काय काय तेरी, ठीक है ना? अरे क्या ठीक है, मेरा टेंशन तुम नहीं समझोगी।
गोली गोगी, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस गिफ्ट. मैं तुम लोगों का ये सरप्राइज लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी. वेलकम वंस अगेन सोनू. चलो तो 50% रसम पूरी हो गई, तो बाकी की 50% पूरी कर दे. बाकी की 50% रसम मतलब? जब तक भाई बहन के घर पे खाना नहीं खाता, रसम पूरी नहीं होती है. ओहो, अच्छा ये रसम. हाँ माधवी आंटी, बरोबर है बरोबर है. हाँ, उसको रसम वड़ा खिला, उसकी रसम पूरी हो जाएगी. हाँ तो पूरी भी चलेगी ना. अब मारो और पंच मारो. तू लंग से बगना. आराम से खाओ, कुछ लगेगा तो बोलो. हाँ अरे वो पहले खाना खाओ, वो मिठाई बाद में खाओ. पजी बहुत टेम्प्टिंग लग. गुड मॉर्निंग गोकुलधाम. अरे दया, नाश्ता लाना भाई, इधर पेट में चूहे फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं. आई आई आई. ला पहला जल्दी ला. टप्पू के पापा, आज तो मैंने आपके लिए ऐसे नाश्ता बनाया है ना कि नाश्ता करते ही आप नाचने लगेंगे. इतना तीखा नाश्ता बनाया है कि खाते ही मैं नाचने लगूंगा. टप्पू के पापा, आप भी जो भी है लाने भाई, जल्दी बहुत भूख लगी है. पहले बताइए क्या नाश्ता बनाया होगा. फाफड़ा जलेबी. जलेबी फाफड़ा. क्या है भाई बोलने. समोसा. कचौरी. खमन ढोकला. अरे जो भी है दे भाई, भूख लगी है इधर. ठीक है बाबा, ठीक है. तो दिल थाम के बैठिए नाश्ता करने वालों, आपके लिए पेश है नाश्ता है सहंसा. मजा आ गया. गरम गमरा सेव ममरा. वाह वाह वाह. जेठिया बहू, देखो टप्पूड़ा कहाँ जा रहा है. मम्मी पापा, मैं क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ. अरे वाह बेटा, ऑल बेस्ट. फतह करो, जीत के झंडे गाड़ के आओ विजयी भव. भाई वो मैच खेलने नहीं जा रहा है, खाली प्रैक्टिस करने जा रहा है. टप्पू के पापा, विजय की शुरुआत प्रैक्टिस से ही होती है. बिल्कुल सही कहा बहू तूने. दिखा मन लगा कर प्रैक्टिस करना, तो देखना एक दिन जरूर तुम विजय प्राप्त करोगे. हाँ मम्मी, मैं मन लगा कर ही प्रैक्टिस करता हूँ. और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी क्योंकि इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो आ रहा है. कौन आ रहा है बेटा? टूर्नामेंट मम्मी, टूर्नामेंट. सब स्कूल के बीच में मैचेस होंगे. हमारी स्कूल भी हिस्सा ले रही है और हमारे स्कूल से अब 15 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे. और हो सकता है कि मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाऊं. मम्मी मुझे प्रैक्टिस में थोड़ा लेट होगा. कितनी प्रैक्टिस करोगे दीक्षा? अरे मम्मी मैं तो कुछ प्रैक्टिस नहीं करता हूँ. पता है जब सचिन तेंदुलकर सर स्कूल में थे तब रोज 10 घंटे प्रैक्टिस करते थे और आज भी करते है. ओहो. टपुड़ा कहते हैं हुनर भगवान की देन होता है, लेकिन उसे सचिन की तरह एकाग्रता और मेहनत से निखारना पड़ता है. टपुड़ा तू मन लगा के प्रैक्टिस करना, देखना तू जरूर कप्तान बनेगा. जी दादाजी. बाय दादाजी. बाय मम्मी. बाय पापा. बाय 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 बाय. संभल के. हां अमन टप्पू जो जड़. वेल प्लेड वेल प्लेड. कमान कमान टप्पू बोलो जी. एक्सेलेंट शॉट टप्पू, एक्सेलेंट शॉट. थैंक यू सर. किड्स इसे कहते हैं टेक्सटबुक ड्राइव. स्मूथ लाइक बटर. सर ऐसी ड्राइव कौन सी टेक्सटबुक में है?
क्रिकेट के टेक्स्ट बुक में। क्रिकेट के टेक्स्ट बुक? टप्पू, बैटिंग करते वक्त नजर हमेशा बॉल पे रहनी चाहिए। अगर बॉल पर फोकस होगा तो बॉल हमेशा मिडल ऑफ द बैट ही लगेगी। यस सर। ओए टप्पू, तेरे पास क्रिकेट की टेक्स्ट बुक है? हाँ है, और उसे मैं हमेशा मेरे पॉकेट में रखता हूँ। तो आज तक हम लोग को टेक्स्ट बुक दिखाई क्यों नहीं? हाँ। व्हाट मीन टप्पू, ऐसा पॉकेट साइज टेक्स्ट बुक कौन सा है, मुझे भी देखना है। नहीं नहीं सर, वो टेक्स्ट बुक नहीं है एक्चुअली, वो मैं दिखा दूं एक मिनट। ये देखिए सर। मैं इनकी बात कर रहा था, यही है मेरे इंस्पिरेशन। मास्टर ब्लास्टर का फोटो? वाह सर, मैं टीवी पर इनकी बैटिंग देख देख कर ही क्रिकेट सीखने की कोशिश करता हूँ। एक्सीलेंट, तुमने परफेक्ट रोल मॉडल सिलेक्ट किया टप्पू। किड्स, सचिन को देख लिया ना, तो क्रिकेट का टेक्स्ट बुक क्या, पूरी यूनिवर्सिटी आ गई। राइट, सचिन इज गॉड ऑफ क्रिकेट। यस सर। सर तो कल से हम लोग भी सचिन तेंदुलकर सर की फोटो रखेंगे पॉकेट में। नहीं नहीं सर, इससे अच्छा हम सचिन सर का टैटू बना देते। गोगी। हाँ यार, वो भी अच्छा आइडिया है। थैंक यू गोगी। ऐसा टैटू बनाने से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। सचिन तेंदुलकर बनना है तो उसके जैसा कमिटमेंट और डेडिकेशन चाहिए। तो कम ऑन टप्पू, फोकस फोकस फोकस। सुपर। वाह वाह वाह। नॉट सो शॉर्ट, थोड़ा आगे थोड़ा आगे। यस सर। गुड बॉल गोली, गुड बॉल। वेल प्लेड टप्पू, वेल प्लेड। कम ऑन। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वाओ टप्पू, क्रिकेट में टाइमिंग इज एवरीथिंग। ओके फोकस। यस सर। गुड टप्पू, गुड। नहीं नहीं टप्पू, हवे में नहीं, अलोंग द ग्राउंड। ओके अलोंग द ग्राउंड। सॉरी सर। बॉल 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 बॉल। अरे बॉयज, फुल टॉस नहीं, बॉल को स्पिन करो, टप्पा गिराओ। सर अभी स्टैमिना खत्म। शाबाश शाबाश गोरी, थोड़ा भाग थोड़ा भाग। सर पर सच में थक गया। इसने इतना प्रैक्टिस किया ना, वो भी बहुत है इसके लिए। सच में। Excellent one. Bye Tappu. Bye 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 bye. Bye bye. वाह Tappu, आज तो तूने बहुत अच्छा खेला। मुझे लगता है कि इस साल हमारे स्कूल के क्रिकेट टीम का कैप्टन Tappu ही बनेगा। हाँ। ओए Tappu, तेरा कैप्टन बनना तो फिक्स है। हाँ। वैसे गोली, तू भी सिलेक्ट हो सकता है। लास्ट मैच में तूने 50 रन बनाए थे। Thanks. 50 रन बनाए तो थे, पर 5 विकेट भी ली थी, और वो भी हमारी ही टीम के। 5 प्लेयर्स को रन आउट करवा दिया था तूने। पर सोनू, उन लोग नहीं भागे तो उसमें मैं क्या करूं? हाँ बराबर। नहीं गोली, उनकी गलती थी। हाँ तो उन लोग आउट हुए तो उन लोग की गलती ना। और वैसे भी अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ ना तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड टप्पू तो सिलेक्ट होने ही वाला है। गोली, दादाजी कहते ना कि सिर्फ मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता बिल्कुल। फल से याद है, मुझे बहुत भूख लगी है फ्रेंड्स। चलो ना घर पे आके कुछ खाते हैं। चलो चलो चलो। हाँ फ्रेंड्स, तुम लोग निकलो, मैं मामा के घर जाके आता हूँ। मामा के? ओके 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 ओके, मामा के घर। मामा, दिवाली बहुत अच्छी गई। अरे नाश्ता तूने जो भेजा था वो सब खाली खम हो गया, सफाई चट। और टप्पू के पापा के रहते नाश्ता घर में रह सकता है क्या? हाँ हाँ, घुघरा घुघरा पूरा डिब्बा खाली हो गया घुघरा का। What बा? माँ, तेरी आवाज को क्या हो गया? मेरी आवाज तो पहले से ऐसी है। Myself Lobo. Dobo? Not Dobo. Lobo. Peter Lobo. I'm a cricket coach. टप्पू को क्रिकेट सिखाता है। अच्छा
अच्छा आप टप्पू के क्रिकेट के गुरु हैं? नमस्ते, हाँ बोलिए। वेल, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि टप्पू का सिलेक्शन हो गया है। हमने उसे हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका खूब खूब आभार रोबो भाई। नॉट रोबो, इट्स लोबो, लोबो। मेरा बेटा, मेरा दीपू कप्तान बन गया। आपको फोन करती हूँ। सब खुश हो जाएंगे। हेलो टप्पू के पापा, आपका हेलो छोड़िए और मेरा हेलो सुनिए। हेलो मारो सांभळो छोड़ के सारे काम। हेलो मारो सांभळो छोड़ के सारे काम। अब क्रिकेट की दुनिया में होगा हमारे टप्पू का नाम। मारो हेलो सांभळो हो जी। हेलो मारो सांभळो रे खोल के अपने कान। बेटा उबल होगा ही जब बाप है महान। मारो हेलो सांभळो हे जी। हाँ, पापा है महान, उसमें नहीं है मेरी ना। अरे पापा है महान, उसमें नहीं है मेरी ना। की हर जीत के पीछे होती है उसकी माँ। मारो हेलो सांभळो हो चढ़सा चढ़सी छोड़ के जल्दी मुद्दे पर तू आ। सारी पूरी बात मुझको विगतवार बता। मारो हेलो सांभळो हे जी। टप्पू के पापा सुनिए मेरी बात। अरे भाई बस 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 सुन लिया। हेलो अभी हेलो सीधे सीधा बोलो, बात क्या है, राज खोलो। अरे हमारा टप्पू स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया है। क्या बात कर रही है दया? हाँ। ये तो खुशी की बात है। हाँ। अरे खुशी की नहीं, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ बहू, क्या खुशी की बात है, मुझे भी बता। बाबूजी टप्पू स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया है। क्या? अरे वाह, टप्पू डाले तो हमारे गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया है। फोन पे कौन जेठिया? हेलो जेठिया। अरे बधाई वाह, अभिनंदन। बापूजी आपको भी पका लागू। हाँ अच्छा सुन जेठिया, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना हम टप्पू को कोई गिफ्ट लेकर दे। अरे बापूजी आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। हाँ और मैं तो कहता हूँ सिर्फ टप्पू नहीं बापूजी, पूरे टप्पू सेना को गिफ्ट देते हैं। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। लेकिन बापूजी हम इसको एकदम सरप्राइज रखेंगे, पहले से बताएंगे नहीं है। हाँ मैं काम करता हूँ, मैं अभी दुकान आ जाता हूँ। हाँ बापूजी आइए आइए, दुकान आइए, साथ में लेने जाते हैं। बाबूजी जरा दया को फोन देना। हाँ ले बो, तू बात कर, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। जी जी। हाँ टप्पू के पापा। दया देख, हम लोग पूरी टप्पू सेना को सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं, तो तू मेहरबानी करके बाफना मत। नहीं 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 टप्पू के पापा, मैं कुछ नहीं कहूँगी और आज आप जल्दी आ जाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक, ओके बाय। अच्छा अब्दुल भाई, मुझे एक अच्छा सीजन मैच चाहिए, तो जब भी है मुझे बोलना, ठीक है? हाँ। क्या हुआ अब्दुल भाई, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? लगता है सुबह से बोनी नहीं हुई है। लाओ मैं बोनी कराता हूँ। अब्दुल भाई आपके दुकान में जितने भी चॉकलेट्स है, जितने भी वेफर्स है मुझे दे दो। अब्दुल भाई क्या हुआ? बच्चों बात ऐसी है कि अपना सचिन है ना। कौन? सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा है। हाँ? कुछ भी अब्दुल भाई प्लीज, हाँ ऐसा मजाक मत करो। हाँ, मजाक नहीं पसंद हमें। टप्पू मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी भी रेडियो पे सुना मुंबई का जो टेस्ट मैच है ना, वो उसका आखिरी टेस्ट मैच होगा। हाँ? उसके बाद वो क्रिकेट कभी नहीं खेलेगा। क्या?
टप्पू 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 क्या हुआ टप्पू? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सचिन सर रिटायर नहीं हो सकते। नहीं टप्पू ओए टप्पू 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 क्यों क्यों सचिन क्यों? अरे लेकिन ऐसा तो रहना होता है, हम लोग चेक लेंगे ऐसा तो रहना होता है। अरे आप लोग प्रैक्टिस करके आ गए, थक गए होंगे ना, हमने आप लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर लाती हूँ। बैठो बेटा। टप्पू जल्दी कोई न्यूज चैनल लगा ना। हाँ हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। दुनिया में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा सेंचुरीज और ऐसे कई अनगिनत रिकॉर्ड बनाने के बाद सचिन तेंदुलकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने करियर की आखिरी मैच खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर ने 24 साल क्रिकेट खेलने के बाद अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। सचिन के इस निर्णय का ऐलान होते ही क्रिकेट जगत और उसके फैंस को भारी धक्का लगा है। किसी को मानने में नहीं आ रहा। तेरे टप्पू ये पक्की खबर है? अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्रिकेट का दूसरा नाम ही सचिन तेंदुलकर है, खुद क्रिकेट ही क्रिकेट खेलना कैसे बंद कर सकता है? टप्पू तेरी बात तो सही है, पर सचिन सर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट देखेगा कौन? हाँ अरे मैंने तो क्रिकेट देखना क्रिकेट खेलना सचिन सर की वजह से ही शुरू किया है, उनके शॉट्स देख देख कर ही मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश करता था। एक बात तो तय है कि सचिन के रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, सबकी जुबान पर एक ही बात है, सचिन वी विल मिस यू। सचिन सर ने रिटायरमेंट ले ली है तो आज के बाद मैं भी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। टप्पू 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 अब मेरे लिए क्रिकेट इतिहास बन गया है। लेकिन टप्पू तू स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया तो? हाँ तो भी नहीं खेलूंगा। और हाँ गोली गोगी तुम लोगों को खेलना है तो तुम लोग खेल सकते हो। इम्पॉसिबल टप्पू, अगर तू क्रिकेट नहीं खेलेगा तो हम दोनों भी नहीं खेलेंगे, और सचिन सर के रिटायरमेंट का तुझे जितना दुख है उतना ही हम दोनों को है। हाँ टप्पू मैं भी नहीं खेल पाऊंगा। फ्रेंड्स अपनी अपनी किट्स लो और चलो भिड़े अंकल के पास चलो। से सब रख लिया ना माधवी? फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे वाह बच्चों क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो? नहीं माधवी आंटी, आज के बाद इस गोकुलधाम सोसाइटी में कोई क्रिकेट का नाम भी नहीं लेगा। अरे सोनू कहाँ है साला? हाँ बेटा अंकल, अब सोसाइटी के बोर्ड पर लिख दीजिए कि यहाँ क्रिकेट खेलना मना है। आज के बाद आपको सोसाइटी में क्रिकेट का कभी सुनाई नहीं देगा। हाँ। सुनू क्रिकेट खेले हमारे दुश्मन, आप चाहे तो आप खेल सकते हो। ये गोलियां ये क्या मजाक है टप्पू, ये कौन सी शरारत है अभी? नहीं बिड़ंगन ये शरारत नहीं है, सच है। बच्चे सब देखेंगे खुश हो जाएंगे बापूजी। ये बहुत मुझे भी वो मन में वही था। अरे सबको अलग अलग बुलाने की जरूरत नहीं। हाँ भाई कितना हो गया? अच्छा ले लीजिए। थैंक यू। अरे सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं ना? अरे बताइए। चल बोल दिया कोई बात नहीं, लेकर आए सरप्राइज गिफ्ट। अरे टप्पू बेटा मुबारक हो बेटा। छिटकलाल इस बात की मुबारकबाद दे रहे हो भाई? आप लोगों को मालूम नहीं है? नहीं ले एक मिनट सबको साथ में बताता हूँ। अरे हाथी भाई सोठी रोशन बाबी मेहता साहब, अरे ताला है मेहता साहब के घर डिब्बे, अरे बबीता जी अभी मेहता जी और सरप्राइज है। अरे सूटो क्या हुआ? रोशन बाबी कॉमन बाबी
बस बेटा बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज। बताइए ना दया भाभी, बस दो मिनट अभी पता चल जाएगा। बताता हूँ माधवी भाभी, सबको बताता हूँ, सब आ गए। अरे सोटी नहीं है, रोशन करज गयो। अच्छा अच्छा, और पोपटलाल शायद लगता है तूफान एक्सप्रेस गया होगा। हाँ। ठीक है, जितने आ गए उनको बता देता हूँ। आज मुझे आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरा बेटा टप्पू उर्फ टिपेंद्र जेठालाल गड़ा, टिपेंद्र जेठालाल चंपकलाल गड़ा और दया जेठालाल गड़ा का बेटा अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया है। मैंने बोला था ना शरारत कर रहे हैं, देखो कैसे मजाक कर रहा था। लपा टप्पू अभिनंदन, कांग्रेचुलेशंस। कैसे नाटक कर रहे थे टप्पू बेटा, इसी वजह से तुम्हारे पापा पूरी टप्पू सेना के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाए हैं। टप्पू बेटा ये देख, आई तेरे लिए नया बैट है। अब इससे ऐसा खेलना, ऐसा खेलना कि खड़ा परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए। सही बात है। ले ले ले, ले। नहीं दादाजी, मम्मी पापा मैंने कसम खाई है कि आज के बाद मैं कभी बैट नहीं उठाऊंगा। पति जी, टप्पू बेटे तू क्या बोल रहा है? हमने तय किया है कि आज के बाद हम कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्यों? काय झालंय काय ना? जैसे मैं गरबा खेले बगैर नहीं रह सकती, वैसे टप्पू सेना क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकती। पर आप लोग कह रहे हैं कि कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन क्यों? हाँ। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? दादाजी आप ही बताइए, जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति ना हो वहाँ प्रार्थना करने से क्या फायदा? पिक्चर में अगर हीरो ना हो तो पिक्चर देखने का क्या फायदा? होटल में खाने जाओ और वहाँ पे खाना ही ना हो तो वहाँ पे जाने का क्या फायदा? जंगल में जब कोई जाता है तो सब शेर को देखने ही तो जाते हैं। अरे सू बोल रहे चिकरा, जिस वजह से हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था अगर वही नहीं रहेगी तो क्रिकेट खेलने का क्या फायदा? हाँ। अरे एक मिनट, तुम लोग गोल गोल क्या बातें कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, जरा बराबर कहो ना। जो भी प्रॉब्लम है साफ साफ बताओ। जैसे सूरज डूबने से अंधेरा छा जाता है, ये फिर शुरू हो गया। वैसे ही सचिन सर के रिटायर होने से क्रिकेट में अंधेरा छा गया है। भाई, कोई सांगता है कहाँ? सचिन रिटायर हो रहा है? हाँ, मतलब मैंने सुना था, लेकिन हाँ बराबर, इसकी वजह से ये सब? क्रिकेट से हमारा इंटरेस्ट ही उठ गया है। सचिन सर क्रिकेट खेलना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, इसलिए हम भी छोड़ रहे हैं। हाँ। अरे बेटा ऐसा थोड़ी होता है ऐसा। अरे सचिन तेंदुलकर ने खेलना छोड़ दिया इसलिए बोल रहा हूँ, हम भी नहीं खेलेंगे बबीता जी। अरे आंसू थोड़ी हंसता बच्चों। टप्पू बेटा इतना गंभीर मत बना दिक्का। अरे भाई वो गौतम गंभीर की बात नहीं कर रहा है, वो सचिन तेंदुलकर जी की बात कर रहा है, तो कहाँ गंभीर पे पहुँच गयी? मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ तो? मैं और सीरियसली मत लो ये सब मैं बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो वाला गंभीर। हाँ बेटा इतना गंभीर मत बनो बेटा। हाँ मतलब सचिन तेंदुलकर जी ग्रेट प्लेयर है, उनके रिटायर होने का दुख हमें भी है, लेकिन उस वजह से आपको क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ना चाहिए। सॉरी बीड़ा अंकल। माँ एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो हम अपने आपकी भी नहीं सुनते। अरे पर काय निकला? हाँ तो बेटा हमारे सुनो, अपने आपकी मत सुनो। अभी आप लोगों की उम्र ही नहीं है अपने आपकी सुनने की। और बेटा आज तुम स्कूल के टीम के कप्तान बने हो, कल तुम पूरे देश के टीम के कप्तान बन सकते हो, ये तो सोचा? हाँ
बार बार नहीं मिलेगा बेटा। हाँ टप्पू, हाँ बराबर है। और देखो तुम्हारे लिए पूरी नई किट लेकर आया बेटा, यह पूरा नया बैट, सीजन बैट, इससे मर्जी होती सेंचुरी पे सेंचुरी मारो। अब यह सब का क्या करेंगे? एक काम करो मम्मी, ये बैट आप रख लो। मुझे? मम्मी भाभी, आप कब से इनके साथ क्रिकेट खेलने लगे? हाँ मैंने तो आपको कभी नहीं देखा क्रिकेट खेलते हुए। मैंने भी नहीं देखा। अरे हंस, बोलिए मैं क्या करूंगी बैट लेकर? नहीं नहीं, ये बैट पापा के कपड़े धोने में काम आएगा। गोली मेरे बैडा बेबी। टप्पू बेटा, इसमें इतना निराश होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ पर देख बेटा, सचिन तेंदुलकर जी निवृत्त हो रहे, और समाचार से पूरा देश दुखी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा देश क्रिकेट खेलना छोड़ दे। प्लीज आप लोग हमें फोर्स मत कीजिए। आप कहेंगे तो मैं खेलने जाऊंगा, लेकिन खेल नहीं पाऊंगा, फिर जीरो पर आउट हो जाऊंगा तो हमारी स्कूल की टीम हार जाएगी और इससे सबको और ज्यादा दुख होगा। ऐसे निराशावादी बातें नहीं करते हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि आज के बाद मैं कभी बैट नहीं उठाऊंगा। चलो फ्रेंड्स। अरे टप्पू बेटा, ऐसा नहीं होता है। अरे सुन तो सही बेटा। अरे भगवान, ये क्या हो गया? अभी बच्चों को कैसे समझाएंगे? वैसे बच्चों का दुख जायज है, सचिन की रिटायरमेंट की बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। वेल, क्रिकेट का तो दूसरा नाम ही सचिन है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट को छोड़ देगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे तो उदास होंगे ही ना। खरे, एक सचिन ही है जिसके बैटिंग के वक्त हंस और गोली खाना भूल जाते थे। I'm gonna miss सचिन badly। मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा कि मैं बच्चों को गणित कैसे सिखाऊंगा। मतलब सचिन जैसे जैसे रन बनाता बच्चे गिनते थे, तो मुझे गणित सिखाने में आसानी होती थी ना। अब मैं जब भी गणित सिखाऊंगा ना, मैं सचिन को बहुत मिस करूंगा। अरे सिर्फ सचिन जी का नाम हमारी भारत के टीम में जाहिर होता था ना, तो सामने वाली टीम ऐसे थर थर कांपती थी। सचिन के बगैर तो हमारी टीम भी अधूरी लगेगी। सचिन भाई इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद निवृत्ति ले रहे हैं, और टप्पू अभी से निवृत्ति ले लेगा तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, हमें किसी भी तरह टप्पू को समझाना होगा। अरे वो स्कूल की टीम का कप्तान बन गया है, खेलेगा नहीं तो कैसे चलेगा? बिल्कुल राइट। लेकिन टप्पू को समझाए कैसे? उल्टा